हमारे घर में ना ये डेरी मिल्क आलमंड बाइट्स ना बहुत दिन से थे यार, और कोई खा रहे नहीं था, तो मेरे दिमाग में ना खुराफाती आइडिया है। मैंने जल्दी जल्दी डेरी मिल्क बाइट्स लिया, डेरी मिल्क लाया और ना जुगाड़ मोल लिया, ये ना बिस्किट के पैक में मिल जाता है यार। तो पहले मैंने डेरी मिल्क मेल्ट किया और ना एक छोटी सी पतली सी लेयर लगा दिया, पूरा स्प्रेड करने के बाद ना जो हमारे पास आलमंड बाइट्स थे ना वो लगा दिया यार, और उसके ऊपर से फिर से मैंने डेरी मिल्क लगाया पतली सी, ऐसा दिखना चाहिए ना हम बबली बना रहे जुगाड़ तरीके से। और उसके बाद मैंने फ्रीज में रख दिया, इतनी अच्छी दिख रही थी यार, पूरी बबली दिख रही थी। और जब मैंने इसको तोड़ा ना बहुत सेटिस्फेक्शन लग रहा था यार, टेस्ट भी ना बहुत अच्छा रहा था। बीच बीच में ना आलमंड के बाइट्स आ रहे थे, नॉर्मल डेयरी मिल्क में तो आपको कोई बाइट्स नहीं आएंगे, मगर हमारे डेयरी मिल्क में आलमंड बाइट्स आएंगे, ज़रूर ट्राई करना। ओके बाय।